السلام عليكم ورحمة الله. بیٹھیں. جرمنی والے تیار ہیں لنک ان کے ساتھ بات ہو جی حضور اقدس ریڈی اچھا جی پیارے حضور ٹھیک ہے پھر سمینہ طاہر صاحبہ تلاوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون ابھی آپ کے سامنے سورہ المومنین کی آیات 1-11 کی تلاوت کی گئی. اب ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مصلح معود رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں. کامل مومن اپنی مراد کو پہنچ گئے. وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو لغو باتوں سے اراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں
सिवाय अपनी बीवियों के या जिनके मालिक उनके दाएं हाथ हुए हैं। बस ऐसे लोगों को किसी किस्म की मलामत नहीं की जाएगी। और जो उसके सिवा किसी और बात की ख्वाहिश करें तो वो लोग ज़्यादती करने वाले होंगे। और वो लोग यानी कामिल मोमिन जो अपनी अमानतों और अपने अहदों का ख्याल रखते हैं और जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते रहते हैं, यही लोग असल वारिस हैं। जज़ाकल्लाह। दरवाज़ा खोल दो बेशक। नज़्म निदा मंसूर अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम सलाम। पाकीज़ा कलाम हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बढ़ती रहे खुदा की महब्बत, खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त, खुदा करे ताहिद की हो लब शरिया
खुदा करे हासिल हो मुस्तफा की रफाकत खुदा करे हासिल हो मुस्तफा की रफाकत खुदा करे फैलाओ सब जहां में कौले रसूल को शर्क़ व ग़र्बु में सतवत खुदा करे तबलीग़ दीन व नशर हदायत के काम पर मायल रहे तुम्हारी तबीयत खुदा करे मायल रहे तुम्हारी तबीयत खुदा करे राजी रहो खुदा पर हमेश तुम लपना आए हर्फ शिकायत खुदा करे लपनाए हर्फ शिकायत खुदा करे बढ़ती रहे खुदा की महब्बत खुदा करे जज़ाकल्लाह। तालीमी इदारात का ऐलान नेशनल सेक्रेटरी उम्र तालबात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अब उन खुश नसीब तालिबात के नाम प्यारे आका अय्यदुल्लाह ताला बिन असलह अज़ीज़ की खिदमत में पेश किए जाएंगे, जिन्होंने नुमाया तालीमी कारकर्दगी दिखाते हुए अपनी तालीम मुकम्मल की है। सालाना इज्तमा के मौके पर इन तालिबात ने अपनी असनाद और इनामात वसूल कर ली हैं। अब उन तालिबात के नाम पेश हैं जिन्होंने पीएचडी की है।
Dr. Sadaf Nas Jima Pinneberg, Dr. Naila Kosar Shakar Osnabrück, Dr. Tuba Ahmed Bat Turki. अब खाकसार उन तालिबात के नाम पढ़ेंगी जिन्होंने आला नंबरों पर स्टेट एग्जामिनेशन की हैं. बारिया कमर हेयाबॉन, शाहिदा कंवल अहमद बेतसबू नॉर्थ, माहा दोगर फ्रैंकफर्टर बैग, सिद्रा रहमान नासिरबाग, इरम ताहिर लिम्बुर्ग, नुमा अंजुम फ्रैंकफर्ट नीद, आफिया रफीक द्राईआइश, सफूरा सलीम नीदा, माहा ख्वाजा नोईजनबुर्ग, शैला उफक अहमद फ्लोर्सहाइम, अमारा अहमद फ्रीटेक मिट्टे, अनिका वराइच हनोफा. प्यारे आका यदुल्लाह ताला बिन असरहिल अजीज, मास्टर्स में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाली तालिबात के नाम पढ़े जाएंगे. सिद्रा अहमद बोखसाल ओस्त, तमसीला अहमद खान गुजलसाइम नॉर्थ, हमदा अहमद माबुर्ग, मरियम अहमद फ्रैंकनबर्ग, हानिया नसीर बात नौहाइम, सईदा फरानूर अब्बासी फ्रैंकफर्टर बैग, विरदा अब्दुल वक्त बेगा ज़ेलिंगनस्टाद, सलारा राउफ नवाज आइडलस्टाद, बारिया इरफान वाहला बैतुल वहीद वेस्ट, बिंतुल महदी मिनहास बेलिन, हानिया रफ़ी शोएब ऑक्सबुर्ग, रहीला जावेद शफीक बर्बलिंगन, मारिया भट्टी माइंस ज़ुड, कुत्सिया महमूद बेटस्टॉफ, जायकाउद्दीन बैतुल जामे, नीदा अशरफ एयरलांगन. अब उन तालिबात के नाम हैं जिन्होंने आला नंबरों से बैचलर की डिग्री हासिल की है. आमना मलिक हाइलब्रॉन, फायजा अहमद सारोआ नौवीद, रेहाना कमर शाद राडोफसेल, फायजा असलम फुलदा, राजिया अयूब खान बैतुल वाहिद वेस्ट, शानजा तारिक द्राईआइश, आयशा जहीर अक्रम फोर्सहाइम, मुबीना अफजल शाह लांगन, सुमन शाहिद पाडाबॉन, अकीबा बट रूडलहाइम, अरीबा सिमरन चौधरी हाइडलबर्ग, अजवा महमूद वांसबेक, रमीन राठौर रशीद हेयाबॉन, शुमायला लुकमान बट फजल उमर मुशे ओस्त, माहिनूर ख्वाजा बात मगीनबर्ग, मारिया राजा तूर हॉयजनस्टम, अमराना जावेद अहमद माइंस नॉर्थ, महीन मुजफ्फर खर्न, मारिया गेल फ्रीटबैक मिट्टे, मायरा चौधरी ऑक्सबुर्ग, नवाल नवीद बेंसहाइम, अरूषा राना ओस्नाब्रुक, सिद्रा अब्बासी रोडामार्क, जाजबा अहमद लूनबुर्ग, सलमा सदफ नासर फ्रीटबैक मिट्टे, इरम भट्टी फ्रैंसहाइम, जारा माहम राना रैनहाइम, कंसा सईद वेश्ता, उर्वा सईद वेश्ता. अभिठो में आला नंबरों वाली तालिबात हैं हना हई हमबुर्ग बामबैग, फायजा अहमद हॉयजनस्टम, इरम खलील बाद नौहाइम, महीन अहमद फ्यूल्सबुटल, खाफिया मनाहिल ब्रुख क्यूबल. अब उन रचना के नाम पेश हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मैट्रिक या ओ लेवल्स में आला नंबरों के साथ डिग्री हासिल की है. माया अहमद बेलिन, जाजिया अहमद नूरुद्दीन मोशे. प्यारे आका अय्यदुल्लाह ताला बिन असरहिल अज़ीज की खिदमत में तमाम तालिबात के लिए दुआ की आजदाना दरख्वास्त है. जज़ाकल्लाह व हसन जज़ा. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला आवाज़ का निज़ाम वहाँ बेहतर होगा। अल्लाह ताला के फजल से इसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी तादाद लजना मेम्बरात की ख्वातीन की नज़र आ रही है, बावजूद इसके कि वहाँ सुना है ट्रैफिक के बड़े मसाइल थे। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में भी रखे और जलसा से इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम में तकवा की बेशुमार जगह तलकीन की गई है, क्योंकि इसके बगैर एक मुसलमान मर्द और औरत अपने दीन की तालीम पर अमल करने और खुदा ताला से ताल्लुक पैदा करने का हक अदा नहीं कर सकते। हमारे घरेलू और माशरती ज़िंदगी में इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि निकाह के वक्त जो एक लड़की और लड़के के बंधन और नई ज़िंदगी शुरू करने का वक्त है, दो ख़ानदानों के आपस में माशरती ताल्लुकात कायम होने का वक्त है, जो कुरानी आयात पढ़ने का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इनमें 5 मरतबा तकवा का हवाला देकर अल्लाह ताला ने आयली ज़िंदगी और अपनी नस्ल की दुनिया व आखिरत संवारने का तरीक बताया और नसीहत फरमाई। इसी तरह तकवा पर चलते हुए नए कायम होने वाले रिश्तों को, एक दूसरे के रहमी रिश्तों का हक अदा करने की भी तलकीन की गई है। बस तकवा ही है जो हर सतह पर हमारी ज़िंदगियों को संवारने में किरदार अदा कर सकता है। हम जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आने का दावा करते हैं, तो आप हमें तकवा पैदा करने के लिए आए हैं, हमें हकीकी इस्लामी तालीम पर कारबंद करवाने के लिए आए हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस बैत का हक अदा करने के लिए अपने तकवा के मायार को बुलंद से बुलंदतर करने की कोशिश करते रहें, ना कि दुनिया में पढ़कर अपने अहद से हटने वाले हों। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमें तकवा का बहुत ऊंचा मायार देखना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि ये तकवा की जड़ ही है, जो इंसान अगर अपने अंदर कायम कर ले तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, दीन भी मिल जाएगा और दुनिया भी मिल जाएगी। अहमदी मुसलमान मर्द हो या औरत, हम ईमान लाने का दावा करते हैं, और फिर हमारी ख्वाहिश होती है, और सबसे बड़ी यही ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए कि वो खुदा को पाले, क्योंकि एक मोमिन का यही सबसे बड़ा मकसद है जिसको पाने की इसको कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसका दीन भी संवर जाए और दुनिया भी संवर जाए। बस अगर खुदा को पाना है, उसकी रज़ा को हासिल करना है, तो फिर तकवा पर चलना ज़रूरी है, और तकवा यही है कि हर छोटी से छोटी बुराई को बेजार होकर तर्क करना और हर छोटी से छोटी नेकी को भी दिल की गहराइयों से चाहते हुए इख्तियार करना। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में तमाम अहकाम की नस्बत तकवा और परहेज़गारी के लिए बड़ी ताकीद है, वजह यह कि तकवा हर एक बदी से बचने के लिए कुव्वत बख्शती है और हर एक नेकी की तरफ दौड़ने के लिए हरकत देती है, और इस कदर ताकीद फरमाने में भेद ये है कि तकवा हर एक बाब में इंसान के लिए सलामती का तावीज़ है और हर एक किस्म के फितने से महफूज रहने के लिए हिस्ने हसीन है, मजबूत किला है। एक मुत्तकी इंसान बहुत से ऐसे फजूल और ख़तरनाक झगड़ों से बच सकता है जिनमें दूसरे लोग गिरफ्तार होकर बसा औकात हलाकत तक पहुँच जाते हैं। फिर आप फरमाते हैं कि रूहानी खूबसूरती तकवा की तमीम तमाम बारीक राहों पर कदम मारना है। फरमाया कि तकवा की बारीक राहें रूहानी खूबसूरती के लतीफ़ नकूश और खुशनुमा ख़त व ख़ाल हैं, खूबसूरत और प्यारे नक्श हैं, और ज़ाहिर है कि खुदा की इमानतों और ईमानी अहदों की हतुल वसा रियायत करना और सर से पैर तक जितने कवा और अज़ा हैं, जिनमें ज़ाहरी तौर पर आँखें और कान और हाथ और पैर और दूसरे अज़ा हैं, और बातनी तौर पर दिल और दूसरी
قوتیں اور اخلاق ہیں ان کو جہاں تک ہو ٹھیک ٹھیک محلِ ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا غلط استعمال سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبہ رہنا اور اس کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے یعنی صرف شیطانی حملوں سے محفوظ نہیں رہنا بلکہ حقوق عباد بھی ادا کرنا ضروری ہے فرمایا اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لباس و تقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تابع مقدور کار بند ہو جائے باریک باریک جو پہلو ہیں ان پر بھی کار بند ہو ان پر بھی عمل کرے بس یہ وہ معیار ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو معاشرے کو بہت سے مسائل سے بچا لیتا ہے معاشرے کی بنیادی اکائی مرد اور عورت ہیں جو گو مختلف صنف سے تعلق رکھتے ہیں ان کے قوام مختلف ہیں ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں لیکن میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک اکائی بن جاتے ہیں اور یہی وہ رشتہ اور جوڑ ہے جس سے آگے نسل انسانی چلتی ہے اگر اس اکائی میں تقویٰ نہ ہو تو پھر آئندہ نسل کے تقویٰ کی بھی ضمانت نہیں اور معاشرے کے اعلیٰ اخلاق اور تقویٰ کی بھی ضمانت نہیں آج کل جو غلط قسم کے جینڈر کے نام پر باتیں ہوتی ہیں وہ نسل کی بقا کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور ہر احمدی کو اس سے بچنا چاہیے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ سلامتی کا تعویذ ہے بس اگر تو آپ سلامتی چاہتی ہیں اور یقیناً ہر شخص چاہے گا چاہے وہ کسی مذہب پر یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سلامتی کے اظہار میں رہے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دن اور رات خیریت اور عافیت سے گزریں ہر اور ہر دشمن سے محفوظ رہیں ہر پریشانی سے بچیں اور کبھی ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ تو ہر ایک انسان کی فطری خواہش ہے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر یہ نقطہ واضح فرمایا کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو پھر تقویٰ اختیار کرو کیونکہ یہ ایک ایسا تعویذ ہے جو تمہاری سلامتی کی ضمانت ہے تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے آپ نے ایک جگہ فرمایا اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تمہارے لیے جاگے گا بس جس کے لیے خدا جاگے اور اس کی ہر شر سے حفاظت فرمائے وہ ایک ایسے زبردست سلامتی کے حصار میں آ جاتا ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اس سلامتی کے لیے تقویٰ شرط ہے خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ہر برائی سے بچنا ضروری ہے اور ہر نیکی کو اختیار کرنا ضروری ہے بس یہ سوچ ہر احمدی عورت اور مرد کی ہونی چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اور سلامتی کے حصار میں آنے کے لیے تقویٰ پر چلنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ہر برائی سے بچنا ہے اور ہر نیکی کو اختیار کرنا ہے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور یہ قوت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے پاس وہ انمول وہ قیمتی تعویذ آ جاتا ہے جو سلامتی کی ضمانت ہے انسان ایک ایسے مضبوط قلعے کے اندر آ جاتا ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ نے پہرہ بٹھایا ہوا ہے جس تک کوئی شیطان پہنچ نہیں سکتا اور بہت سے فتنوں سے انسان اس حصار کے اندر آ کر بچ سکتا ہے اس لیے کل میں نے درود شریف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھنے کے لیے کہا تھا یہ بھی پڑھنا چاہیے ہر ایک کو بس آج کے معاشرے میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لغویات اور فضولیات سے بچیں اپنی زندگیوں میں امن و سکون پیدا کریں ذکر الہی کریں گے تو لغویات سے بچتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انسان کو مختلف فتنوں اور خطرناک جھگڑوں سے بچنے کے راستے بتائے ہیں لیکن بدقسمتی ہے
کہ انسان ان پر عمل نہیں کرتا، دنیا میں پڑا ہوا ہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے اور اس خوبصورتی سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے جس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ خوبصورت چیزیں پسند کرتا ہے، اچھی چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اور عورتوں میں تو خاص طور پر خوبصورت بننے کے لیے میک اپ کرنے کا بھی رواج ہے، اپنے حسن اور زینت کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی اصل زینت سے بے خبر رہتی ہیں، اور اس مغربی معاشرے میں تو اکثر عورتیں جو غیر مسلم عورتیں ہیں، لا مذہب عورتیں ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی اصل زینت کیا ہے۔ بس آج ایک احمدی عورت کو چاہیے کہ اس اصلی زینت کو جہاں خود اختیار کرے، وہاں اپنے معاشرے کو بھی بتائے کہ عورت کا اصل حسن اور اس کی اصل زینت کیا ہے، اور اگر اس کا پتہ لگ جائے تو پھر عورت کا حسن اور زینت کئی گنا بڑھ جائے گا، جو آج کل کے آزاد ماحول میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ میک اپ کر لیا، یا بڑے اعلیٰ کپڑے پہن لیے، یا غلط قسم کے لباس پہن لیا تو میرا حسن ظاہر ہو رہا ہے اور آزادی حاصل ہو گئی ہے مجھے، حالانکہ یہ حسن ایسا ہے جس سے نہ حسن ظاہر ہو رہا ہے نہ زینت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی نہ حقیقی حسن ہے نہ حقیقی زینت ہے، بلکہ یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ بس ایک احمدی عورت کا آج فرض ہے کہ جہاں اپنی اصلاح کرے، وہاں دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی ایک خاص مہم چلائے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے احمدی عورتوں کو کہ ان کی زینت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حجاب اگر پہنو، پردے کا خیال رکھو، اپنے حیادار لباس کا خیال رکھو، تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ زینت حجاب کو یا پردے کو یا لباس کو ختم کرنے سے نہیں ملتی، جس کا آج کل مغرب کے زیر اثر بعض عورتوں پر، ہماری عورتوں پر بھی اثر ہو جاتا ہے اور اظہار کر دیتی ہیں، بلکہ زینت تقویٰ کا لباس پہننے سے ملتی ہے، نہ کہ ننگے ہونے سے۔ اور یہ لباس تقویٰ ان کو میسر آتا ہے جو اپنے ایمانی عہدوں اور امانتوں کو اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، ان کے اوپر چلنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے، اور نیکیوں میں آگے سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اس معاشرے میں ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ برائیاں یہاں خاردار یا کانٹوں والی جھاڑیوں کی طرح ہمارے راستے میں حائل ہیں، اور کہیں سے بھی یہ خاردار جھاڑیوں میں کانٹے دار جھاڑیوں میں ہمارا لباس اٹک سکتا ہے، یا ہمیں یہ کانٹے دار جھاڑیاں زخمی کر سکتی ہیں، یا ہمارے کپڑے پھاڑ سکتی ہیں، جس سے ہماری زینت جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ بس ہمیشہ استغفار کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حصار میں آنے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ان خاردار کانٹوں والی جھاڑیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور معاشرے کے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور تقویٰ کے لباس کو ہمیشہ پہننے کی کوشش کریں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ایک احمدی لڑکی، ایک احمدی عورت کا ایک خاص امتیاز ہے، اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو جو ظاہری اعضاء ہیں، ان امانتوں کا حق ادا کرنے والا بناؤ۔ ہر مرد اور عورت کا کام ہے کہ اپنے کان، آنکھ، زبان اور ہر عضو کے استعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بنائیں اور اس کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ اب دنیا میں آج کل عموماً، اور یہاں ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے، احمدیت میں بھی یہ باتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، آئلی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، غور کریں تو ان میں زبان، کان، آنکھ کا بہت بڑا کردار ہے۔ مرد ہیں تو وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے، عورتیں ہیں بعض وہ بھی غلطیاں کرتی ہیں، صحیح استعمال نہیں کرتی۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو اور غیر عورتوں کو نہ دیکھو،
इस तरह वो तवज्जो नहीं करते। औरतें हैं तो वो अपने हयादार लिबास का ख्याल नहीं रखती। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखें और फिर मर्दों से बातें करते हुए या मर्द औरतों से बातें करते हुए अपनी आँखें और ज़ुबान और अपने कानों को सही माहौल पर इस्तेमाल करें तो फिर बहुत सारी बुराइयाँ मुआशरे की कभी जन्म न लें, कभी पैदा ना हों। और एतमाद की जो फ़ा है घरों में वो ख़राब ना हो जो झगड़ों की सूरत में पैदा होती है। बस लोग मुझे पूछते हैं बाज़ दफ़ा कि हमारी आयली रिश्ते हमारे आयली रिश्ते को कायम रखने के लिए सबसे अच्छी क्या चीज़ है, तो इनको मैं यही कहा करता हूँ कि अपनी ज़ुबान कान और आँख का अगर सही इस्तेमाल करोगे, सही माहौल पर तुम इस्तेमाल करोगे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे झगड़े पैदा नहीं होंगे। इसी से एतमाद की फ़ा पैदा होगी। और जब एतमाद की फ़ा पैदा होगी तो इससे फिर मोहब्बत और प्यार की फ़ा पैदा हो जाएगी। और यही वो चीज़ है जो एक माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए है, और यही वो चीज़ है जिसके लिए मर्द और औरत के बंधन कायम होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने यह भी नसीहत फरमाई है तकवा के हवाले से ही कि मर्द और औरत अपने रहमी रिश्तों का भी ख्याल रखें, एक दूसरे के जो रहमी रिश्ते हैं उनका ख्याल रखें और किसी के बारे में गलत बात ना करें, क्योंकि इससे फिर तलखियाँ पैदा होती हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बस ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि ना सिर्फ आपस के ताल्लुकात रखने हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी करनी है ताकि माशरे में अमन और सुकून कायम रहे। और ये आज हर अहमदी मर्द और औरत का काम है। फिर ये भी बातें हैं कि अपने दिल को नाजायज़ बातों की आमाजगाह ना बनाओ, उनको अपने दिलों में जगह ना दो, इसको अल्लाह ताला के खौफ से भरे रखो तो फिर कभी मसाइल पैदा नहीं होते, कभी फिर शैतान चोर दरवाज़े से दाखिल होकर घरों में फसाद पैदा नहीं करता। पहले भी मैंने कहा था कि मियाँ बीवी के रिश्ते में एतमाद का रिश्ता ही है जो इस बंधन की बुनियाद है। अगर ये एतमाद ख़त्म हो जाए तो वही ये खूबसूरत इमारत जो प्यार और मोहब्बत के अहद के साथ तमीर की गई होती है मलबे का ढेर बन जाती है, खंडर बन जाती है। बस एक मोमिन जहाँ खुदा से अपने किए गए अहद को पूरा करने की कोशिश करने वाला होना चाहिए, वहाँ मखलूक के अहद को भी पूरा करने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए। और इस बारे में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि बाद हकूकुल इबाद की अदायगी के बगैर हकूकुल्लाह की अदायगी के मयार भी हासिल नहीं हो सकते। ये कहना गलत है कि हम अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं और बंदों का हक अदा नहीं हो रहा सही तरह। जब तक बंदों का हक अदा नहीं होता अल्लाह ताला का हक भी अदा नहीं हो सकता और ना अल्लाह ताला इसको कबूल भी नहीं करता। बस हकूकुल इबाद की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हकूकुल इबाद अदा नहीं हो रहे तो हकूकुल्लाह की अदायगी के मयार में भी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। बस हमेशा याद रखें जैसा कि मैंने कहा कि हकूकुल इबाद की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अल्लाह ताला के हक़ अदा करने वाले भी बन सकें। हकूकुल इबाद में जो बुनियादी यूनिट है घर का वो खावंद और बीवी का रिश्ता है और आपस में इनके हकूक़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और माशरे और अगली नस्ल की बेहतरी के लिए भी ये घर का बुनियादी यूनिट है। इसका आपस में एतमाद और एक दूसरे के हक़ की अदायगी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और ये एक मोमिन की हकीकी मोमिन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखे। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के हकूक़ की अदायगी के लिए इस पर बहुत तवज्जो दिलाई। जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि निकाह के खुतबे में जो आयात हैं इसमें तकवा पर चलते हुए उन हकूक़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। और अगर हम ये हकूक़ अदा करेंगे तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तभी तुम खुदा ताला की इमानतों और ईमानी अहदों को की भी सही रंग में अदायगी कर सकोगे और अपने माशरे की इमानतों और अहदों की भी सही अदायगी कर सकोगे। बस हर मोमिन और मोमना को याद रखना चाहिए कि उसके अहद के दावे तब ही उनको पूरा करने वाले बन सकते हैं जब अपने रिश्ते जो हैं इनमें मजबूती पैदा करें, जब मियाँ बीवी अपने रिश्तों में एक जान बनकर रहें और एक दूसरे पर एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। शादी का पाक रिश्ता जहाँ खुदा ताला ने एक दूसरे की तस्कीन के सामान के लिए कायम फरमाया है और नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए कायम फरमाया है, वहाँ मुआशरे की अमन की ज़मानत भी इस ज़रिए से कायम फरमाई है।
बशर्ते के एक नेक नस्ल पैदा हो जिसकी तरबियत सही तरह की जाए और इस सही तरबियत करने के लिए अपनी सही तरबियत करने की मियाँ बीवी को बहुत ज़रूरत है, जिस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है हमें आजकल, और इससे फिर अगली नस्लों नस्ल की और बच्चों की सही तरबियत होगी। सिर्फ जिस्मानी तस्कीन हासिल करना या बच्चे हासिल कर लेना ये तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि अशरफुल मखलूकात इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, ये तो जानवर भी करते हैं ऐसी बात है। अशरफुल मखलूकात बनने के लिए कुछ लवाजमात हैं और इनको इंसान अपने सामने इनको इंसान को अपने सामने रखना चाहिए, और इसकी असल और बुनियाद यही है कि तकवा पर चलते हुए एक दूसरे के हक़ अदा करने की कोशिश करें, अपने मकसद पैदाइश को समझें, अल्लाह ताला का सही अब्द बनने की कोशिश करें, अल्लाह ताला का सही फरमाबरदार बनने की कोशिश करें। अब्द बनना सिर्फ इबादत करना नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के अहकाम की फरमाबरदारी करना है भी है, और इसका हक़ अदा करते हुए इसकी इबादत का भी हक अदा करें और इसके बंदों के भी हक़ अदा करें, तभी अपनी आकबत को भी संवारने वाले होंगे, तभी अपनी नस्ल की आकबत को भी संवारने वाले होंगे, और तभी उस हिसार में आ जाएंगे जहाँ अल्लाह ताला की पनाह होती है, और अल्लाह ताला फिर इंसान को हर फिक्र से हर तकलीफ़ से आज़ाद फरमा देता है। और जब फिर जब ऐसा माहौल होगा घर का तो वो नस्लें भी पैदा होंगी, और फिर कायम भी रहेंगी जो नेक नस्ल होती है, जो माँ बाप के लिए दुआएं करने वाली नस्ल होती है, जो माँ बाप का नाम रोशन करने वाली नस्ल होती है, नहीं तो फिर दुनिया में पढ़कर बिगाड़ पैदा करने वाली नस्लें पैदा होती हैं जिससे माशरे का अमन भी बाद में बर्बाद होता है और माँ बाप की बदनामी का बायस बनते हैं ऐसे बच्चे, और फिर अगर जमात के नाम से मंसूब हैं तो जमात की बदनामी का भी बायस बनते हैं। बस जमाती तरबियत के लिए भी ज़रूरी है कि हर फर्द जमात मर्द और औरत अपनी इस्लाह की कोशिश करे, अपने नेक नमूने कायम करे, अपना खुदा ताला से ताल्लुक़ जोड़े और अपनी औलाद को भी उस ताल्लुक़ जोड़ने की तरफ लेकर आए और उनकी ऐसी तरबियत करे जिससे हकीकी मानों में वो अल्लाह के हक़ अदा करने वाले बने और अपनी रूहानियत को बढ़ाने वाले बने। दुनिया की आबादी में मर्द और औरत हैं की तादाद जो है तकरीबन औरतों की तादाद ज़्यादा है, और फिर इस आबादी में हम देखते हैं कि बहुत सारे हैं इनकी वजह से मर्द और औरत के ताल्लुकात की वजह से ही औलादें भी पैदा होती हैं, और दुनिया की आबादी में काफरों की तादाद जो है वो मोमिनों से बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ औलादें पैदा होती हैं, कसरत काफरों के ज़रिए से दुनिया में फैल रही है। मोमिनों के मुकाबले में अगर देखें तो मज़हब से दूर जाने वालों की ज़्यादा कसरत है इस वक्त, मोमिनों के मुकाबले में काफरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकी कसरत अल्लाह ताला की नज़र में वो है जो तकवा पर चलने वालों की है, क्योंकि ये तकवा पर चलने वाले ही हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला दुनिया के बाकी इंसानों पर भी रहम और फजल फरमा देता है। एक भी इंसान मुत्तकी होता है तो उसकी खातिर पूरा शहर बचा लिया जाता है। बस अल्लाह ताला हमें यह फरमाता है कि तुम दुनियादारों की तरफ देखकर मुतासर ना हो बल्कि तकवा पर चलो तो अल्लाह ताला के इनामात के वारिस बनोगे, और तुम्हारी औलादें भी ऐसी होंगी कि नेकियों पर चलते हुए तुम्हारी नेकनामी का बायस होंगी और तुम्हारे लिए दुआएँ करने वाली होंगी। इस ज़मन में और आयली मसाइल की बात भी मैं लेता हूँ, यहाँ बयान करना चाहता हूँ क्योंकि ये बातें अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं कि इस तरह तवज्जो दो। बहुत सारे आयली मसाइल जो सामने आते हैं, बाज़ दफ़ा ये इशू बहुत ज़्यादा सामने आता है औरत की तरफ से भी मर्द की तरफ से भी, कि खामद या बीवी हमारे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। मर्द कहता है कि औरत हमारे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती, औरत कहती है कि मर्द मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता। इस तरह झगड़े शुरू हो जाते हैं या एक दूसरे को घरों में आने जाने से रोकते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे के रहमी रिश्तों का ख्याल रखो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि ये तकवा से दूर बात है
कि तुम रहमी रिश्तों से कदर तल्लुकी करो और उनका ख्याल न रखो, इससे तुम लोग मुआशरे में फसाद पैदा करने वाले बनोगे। इसीलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इंसानी फितरत को सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, आपने निकाह के खुतबे में जो आयात मुंतखब फरमाई हैं उनमें मर्द और औरत को ये नसीहत भी फरमाई कि अपने रहमी रिश्तों का ख्याल रखो। अल्लाह ताला का ये इरशाद भी इस खुतबे की आयात में शामिल फरमाया कि अपने रहमी रिश्तों का ख्याल रखो, ताकि इससे फिर जहाँ दो ख़ानदानों की आपस में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होगी, वहाँ मुआशरे का अमन और सुकून भी कायम होगा। और यही एक हकीकी मोमिन की निशानी है। बस पहले दिन से ही इस सोच के साथ मर्द और औरत को शादी के रिश्ते में मुंसलिक होना चाहिए कि सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाना, बल्कि जो भी करीबी रिश्ते हैं वो सब निभाने हैं। इस सोच के साथ औरत को खावंद के घर जाना चाहिए और इसी सोच के साथ मर्द को औरत को ब्याह के लाना चाहिए। अगर हम अपने माशरे में इस सोच को अच्छी तरह कायम हो तरह समझते हुए पैदा कर लें, तो हमारे माशरे में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होकर जो इंतहाई केस बन जाते हैं, बाद वह पुलिस तक चले जाते हैं मामलात, वो ना जाएं। खुला तलाक की जो नौबतें आती हैं वो भी ना आएँ। जो आजकल अफसोसनाक बात है कि हमारी जमात में भी ये तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। बस इस बात को हमेशा याद रखें कि एतमाद कायम रखना, एक रहमी रिश्तों का ख्याल रखना, और एतमाद कायम करने के लिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि झूठ नहीं बोलना। इस रहमी रिश्तों के ताल्लुकात में सासों और बहुओं को सासों को भी मैं कहूँगा कि वो भी अपनी बहुओं का ख्याल रखें, अपने दामादों का ख्याल रखें, क्योंकि इसी से उनका ताल्लुक, जहाँ तक रहमी ताल्लुकात का सवाल है, वो उनके लिए भी हुक्म है कि सासें अपनी बहुओं को बेटियों की तरह देखें, अपने दामादों को बेटों की तरह देखें, और कोशिश ये करें कि उनके घरों में खुशियाँ कायम हों, ना कि लड़ाइयाँ और झगड़े और बदजनियाँ। अगर सासें भी अपना किरदार अदा करें तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। फिर ये भी है, एतमाद कायम करने के लिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि झूठ नहीं बोलना। इसलिए निकाह के खुतबात में जो आयात पढ़ी जाती हैं, इनमें एक नसीहत यह भी की गई है कि कौले सदीद से काम लो, और ये तकवा है, और झूठ ना बोलो। और कौले सदीद यही है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर एतमाद करते हुए अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करें और एतमाद हासिल करें, ताकि हर किस्म की गलतफहमी जो है वो हमेशा उनमें दूर होती रहे, और कभी ऐसी सूरत पैदा ना हो कि गलतफहमी की बिना पर उनके अतमाद को ठेस पहुंचती हो। इसी तरह रिश्ता करने से पहले भी ज़िमनन ये भी बता दूं कि रिश्ता करने से पहले भी लड़की और लड़के में अगर कोई कमज़ोरियां हैं, नकायस हैं, तो पहले ही बता देना चाहिए, और फिर उनको कहना चाहिए कि दुआ करके फ़ैसला करो, ताकि शादी होने के बाद फिर कोई मसाइल पैदा ना हो। बस अल्लाह ताला जो इंसानी फितरत को जानता है, उसने इंसान को पैदा किया है, इससे ज़्यादा और कौन जान सकता है। उसने यही फरमाया है कि सच्चाई को कायम रखो, और सच्चाई को कायम रखोगे तो तुम्हारे माशरे का अमन भी कायम रहेगा, और कभी अपने रिश्तों में झूठ को करीब ना आने दो, गलत बयानी को करीब ना आने दो, ताकि तुम्हारे रिश्ते भी हमेशा पायदार रहें। फिर एक बहुत बड़ी बात यह भी है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि अपने अहदों को पूरा करो, और अहद पूरा करने का बहुत बुनियादी चीज़ है। बस ये आपस के माशरती रिश्तों में जहाँ एक दूसरे के साथ अहदों को पूरा करना ज़रूरी है, वहाँ शादी ब्याह के मामले में रिश्तों को निभाने के लिए भी जो एक अहद है, इसको भी मर्द और औरत को पूरा करना ज़रूरी है। एक अहमदी और मोमिन औरत और मर्द को अपनी ज़िंदगी इस नहज पर चलानी चाहिए कि वो तकवा पर चलते हुए हमेशा अपने अहद को पूरा करने की कोशिश करें, और इस बुनियादी सतह पर जब अहद पूरा करेंगे तो तभी अपने अहद बैत को पूरा करने वाले होंगे, क्योंकि अहद बैत में भी शर्त है कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हमेशा सच्चाई पर कायम रहेंगे और अमन और सलामती और प्यार और मोहब्बत को फ़रोग देने वाले होंगे, आपस में मोहब्बत और प्यार को बढ़ाने वाले होंगे। बस जहाँ हम अपने अहद को पूरा करते हुए अपने रिश्तों को मज़बूत करते हैं, वहाँ अपने अहद बैत को भी मज़बूत कर रहे होते हैं।
इस नुक्ते को भी हमेशा अपने सामने रखना चाहिए हमें, और हमेशा हमेशा हमारे लड़कों लड़कियों मर्दों औरतों को सामने रखना चाहिए कि मेरा अव्वल फ़र्ज तकवा पर चलना है और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है, और जब ये होगा तो फिर सच्चाई पर भी कायम रहेंगे, रहमी रिश्तों का भी ख्याल रखेंगे, अपने अहदों को पूरा करने वाले भी होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना उसका मकसूद होगा। बस ये बात हमेशा हर अहमदी मर्द और औरत को सामने रखनी चाहिए, और जब ये होगा तो फिर ही हम वो हसीन मुआशरा कायम कर सकेंगे जो कायम करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए थे, और जिसके कायम करने के लिए हमने आपके हाथ पर अहद बैत बांधा है। बस हमेशा नेकियों को कायम करने की कोशिश करें, लड़के भी नेकियों को कायम करने की कोशिश करें, लड़कियां भी नेकियों को कायम करने की कोशिश करें। जब नेकियों को कायम करने की कोशिश करेंगे तभी रिश्तों को कायम करने के लिए भी लड़का और लड़की भी बजाय दुनियादारी की तरफ जाने के दीन को देखने दुनियादारी की तरफ जाने के दुनिया को देखने के दौलत को देखने के सूरत और शक्ल को देखने के दीन को देखेंगे, और जब दीन को देखकर रिश्ते कायम होंगे तो वो दायमी रिश्ते होंगे, क्योंकि अल्लाह का खौफ रखते हुए कायम किए गए होंगे, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कायम किए गए होंगे। बस हमें ख़ास तौर पर इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि हमने दीन को दुनिया पर मुकदम रखते हुए अपने मुआशरे को बनाना और कायम करना है, ना कि दुनिया को अपने ऊपर हावी करना है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि गैर कौमों की तकलीद ना करो जो कुली असबाब पर गिर गई हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये है कि सिर्फ दुनियावी चीज़ें और दुनियावी ज़ाहरी सामान जो है वही सब कुछ है। फरमाया तुम इन लोगों की पैरव मत बनो जिन्होंने सब कुछ दुनिया को ही समझ रखा है। बस हमें अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। दुनिया को देख कर हमारे अंदर भी जो कमज़ोरियाँ आ रही हैं, रिश्तों में भी जो हमारी कमज़ोरियाँ आ रही हैं, और एक जायज़े के मुताबिक तो बाज़ दफ़ा बहुत हद तक बढ़ जाती हैं ये कमज़ोरियाँ, हमें इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला करे कि हम लोग इन बुराइयों से बचने वाले हों और तकवा पर कदम कर मारने वाले हों, और हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते हुए अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देने वाले हों, और हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करने वाले हों। अगर ये होगा तो हम वो पाक और हसीन माशरा कायम कर सकेंगे जिसके कायम करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए थे, और जिसके कायम करने के लिए हमने अपनी खुशी से आपकी बैत की है। हमें मजबूर नहीं किया गया, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया था कि हम आपकी बैत में शामिल हों। जब हमने बैत कर ली तो फिर हमें इन बातों पर यकीनन अमल करना चाहिए अल्लाह ताला ने जिनका हमें हुक्म दिया है, और जिसकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमसे तवक्को की है, और जिसकी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार नसीहत फरमाई है, और जिसकी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जैसा कि मैंने शुरू में कहा बेशुमार जगह तलकीन फरमाई है। अगर ये होगा तो यही वो पाक माशरा है जो कायम होगा, और जिससे फिर दुनिया में एक इनकलाब आएगा और दुनिया को खुदा ताला की तरफ हम लाने वाले बनेंगे। यही वो ज़रिया है जिससे फिर हम दुनिया में इस्लाम की तबलीग करके दुनिया वालों को अल्लाह ताला की तरफ लाने वाले होंगे, और दुनिया में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराने के लिए अपना किरदार अदा करने वाले होंगे, और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला करे कि हम ये सब कुछ हासिल करने वाले हों और एक पाक माशरा जमात अहमदिया में कायम हो जाए, और आजकल जो दुनियावी लहव लाभ और जो दुनियावी चकाचूंद है, दुनियावी ख्वाहिशात हैं, इनसे हम बचने वाले हों और दीन को दुनिया पर मुकदम करने वाले हों। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और हम अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करके हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत के मकसद को पूरा करने वाले बनकर अपनी अमली हालतों में इनकलाब लाने वाले बन जाएं। आमीन। अब दुआ कर लें।
آمین. ہاں جی، اگلا لجنہ جرمنی لجنہ اپنا پروگرام جو اپنے کرنا ہے وہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، زمین سے ظلمت شرک ایک دم میں ہوگی دور، ہوا جو جلوہ نما لا الہ الا اللہ. واللہ ان محمدا كرداف وبه الوصول بسدة السلطان، هو خير كل مقرب متقدم، والفضل بالخيرات لا بزمان. میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشتا. اسمعوا صوت سما تائید رب دی جس ویلے لے کے مہدی قادیاں آیا، پاک روحانے اس نور دین تے حق نو پایا، سانو مہدی نال پیار اسا سن کے او دی پکار، بیتا کر لیاں لکیاں ٹھر گئیاں، مچایا دے کے جانا گبرو جوانا دین ایمان بچایا، دشمشم قادیانن یاللارنا اشتم احمدین باندا، گزر آلمش قرطایان ایلے گردم کپنا، آزاد ایلین susuz yalın ayak sözün bitti yerde. Halifa şeşeno eyadon kafe adon kafe no avadi adom yen entiya da sama momra meşeşe helafa şeşeno namu mediatre خلافت الاحمدیت زندہ باد، ام کو سو ام کو سو ام کو سو، مرحبا 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 سیدی، آپ میرے لیے ہیں دعا مرشدی، آپ ہی سے ملا ہے خدا مرشدی، سے ملی ہے دعا مرشدی، گلشن احمد کی ہم ہیں چہچہاتی بلبلے، ناصرات الاحمدیہ جگمگاتی مشعلے، ابتلاؤں میں پلے جو ان کی ہم اولاد ہے، دیکھنے میں نرم کلیاں اصلا
Wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht, wenn die Sonne scheint, wenn ein kalter Wind weht, vergiss nicht zu beten. Am Beten hängt dein Leben, so viel kann es dir geben. Beten, 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 glaube mir. Beten, hilft auch dir. मुखालिफत की आंधियां, गमों का घर तूफान है, दुआ 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 इमाम का ऐलान है, हुए है खौफ दूर जब हुआ वो शफी को मेहरबान है, सदा है पुर उम्मीद हम इब्तलाया इम्तिहान है, खलीफतुल मसीह सा हमें मिला इमाम है, उठो अहमदी समा मिल के बदलो, खुदा के लिए ये जहां मिल के बदलो, करो कौमें यूनसी गिरी आजारी, जमीन पर से दर्दो फुगा मिल के बदलो, उठो अहमदियो खुदा ने बताया है आका को सिर ये, फकत तीन दिन में खिजा मिल के बदलो, उठो अहमदियो जो खाना ने अमली सरों पे परिंदों को गोया बिठाया, वो तार महबत अकीदत का जज्बा, नजारा वो आका के दिल को लुभाया, उठो अहमदियो जुग जुग जीवे साडा मुर्शद, लमिया उम्रा पावे सदा बहारा रखी रबा, खिजाना ने आवे कुल जहान दे दर्द बढ़ावे, अपने के खुदा गम सीने बिच राती चैन ना पावे, ठंडिया मिठिया छावा वरगा नूरा नाल नहावे, बाग गुलाबा खिड़ दे दे उल जग जमाते अहमदिया आलमगीर जिंदाबाद, खिलाफते अहमद
खलीफतुल मसीह खामिस जिंदाबाद, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस जिंदाबाद, शहदाए अहमदियत जिंदाबाद, शहदाए अहमदियत जिंदाबाद, असीरान राह मौला जिंदाबाद, असीरान राह मौला जिंदाबाद, कादियान दारुल अमान जिंदाबाद, कादियान दारुल अमान जिंदाबाद, जमात अहमदिया जर्मनी जिंदाबाद, जमात अहमदिया जर्मनी जिंदाबाद, जलसा सालाना जर्मनी जिंदाबाद, जलसा सालाना जर्मनी जिंदाबाद, लजना इमाइला आलमगीर जिंदाबाद, लजना इमाइला आलमगीर जिंदाबाद, लजना इमाइला जर्मनी जिंदाबाद, लजना इमाइला जर्मनी जिंदाबाद, सच्चे अहमदी की माँ, सच्चे अहमदी की माँ आयशा अकेडमी, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन। अच्छा, ये हाजरी हाजरी की रिपोर्ट ये है कि जर्मनी में इस वक्त यहाँ जो की गिनती के मुताबिक बैठी हैं, वैसे लग तो ज़्यादा रही हैं मुझे, 15,933 हैं, और यहाँ यूके में जो हमारे सामने लजना बैठी हैं इनकी तादाद भी 1100 है। अल्लाह ताला सबको नेकियों पे कायम रखे, तकवा पे कायम रखे और अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अमीरुल मोमिनीन जिंदाबाद, हजरत अमीरुल मोमिनीन जिंदाबाद।